हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का अपना टॉपिक है वो है एमपी प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ पे। तो फ्रेंड्स, इस पर बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, है ना। तो मैंने उनको उस समय रिप्लाई नहीं दिया था क्योंकि मैं थोड़ा इस वीडियो बनाने में बिज़ी था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे कि जो कॉलेज इंक्रीज़ हुआ है उसका फैक्टर, और जो ऑल इंडिया में सीट डिक्रीज़ हुई है ना उसका फैक्टर, और जो टी ओ ए की डेटा में इस बार जो बच्चे कम हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस साल 499 से 50 के बच्चे कितने कम हैं, हाँ, तो इसका फैक्टर भी अपन देखेंगे कट ऑफ पे क्या पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको लाइक भी कर दीजिए, हाँ, जब तक कि अपन आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ये कैलकुलेशन करी थी ना, तो ये आपको ऐसे ही दिखा रहा था। अपन अब चलते हैं अपने रियल टॉपिक पे। और फ्रेंड, मैंने इसमें ऑल इंडिया का इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि जो सीट डिक्रीज़ हुई है तो उससे जो गवर्नमेंट लेने वाले थे इस साल वो आप प्राइवेट लेंगे, है ना। तो फ्रेंड, ये थोड़ा मेरा एनालिसिस था। तो ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इस बार न्यू कॉलेज है ना सुख सागर, तो उसमें 127 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, और वहीं जो AIQ से इस बार जो सीट आने वाली थी गवर्नमेंट, तो उसमें 138 सीट्स का डिक्रीमेंट हुआ है, तो टोटल 11 सीट का लॉस है ना। तो और अगर अपन इसे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दें, EWS, OBC, ST, SC, SN, तो ये नियरली नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा न्यू कॉलेज के इंक्रीज़ का और AIQ सीट का डिक्रीज़ का। तो फ्रेंड्स, जैसे कि NEET 2020 में जो स्टेट रैंक थी, है ना, तो वो इस बार NEET 2021 में भी सेम स्टेट रैंक तक कट ऑफ गिरेगा, है ना। बस इस साल जो TOI में इस बार जो सॉरी TOI बोल रहा हूँ जो मेरिट लिस्ट में इस बार बच्चे कम हैं इस रेंज के अंदर, तो कट ऑफ में गिरावट होगी, है ना, मगर स्टेट रैंक वही रहेगी जो NEET 2020 की थी। फ्रेंड्स, हम लोग स्टेट रैंक इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो कॉमन रैंक होती है उसमें नॉन डोमिसाइल और डोमिसाइल वाले दोनों इंक्लूडेड होते हैं, मगर जैसा कि हमारे MP में डोमिसाइल वालों को प्रेफरेंस मिलता है ओवर नॉन डोमिसाइल वाले को, तो नॉन डोमिसाइल वालों को कॉलेज नहीं मिलता, है ना, हमारे MP में तो नहीं मिलता, बहुत सालों से नहीं मिल रहा। तो फ्रेंड, इसका मतलब यही हुआ कि जो NEET 2020 की स्टेट रैंक रहेगी, है ना, तो वही NEET 2021 में भी स्टेट रैंक का कट ऑफ रहेगा। तो आप देख सकते हैं UR की 2789 रहेगी थी 2020 में, है ना, सेकेंड राउंड की बात बता रहा हूँ मैं, मॉपअप की ये भी थोड़ी देर बताता हूँ। OBC की 2847 रहेगी, SC की 5456 और ST की 8376, और मॉपअप की मैं बताऊँ तो, और जो मॉपअप में पिछले साल जो कट ऑफ गई थी वो UR की 476 थी और OBC की 473, है ना। तो फ्रेंड, जब हमने उसी स्टेट रैंक पे जब हमने इस बार NEET 2020 में मेरिट लिस्ट को देखा, तो हमें देखा कि UR 474 मार्क्स पे आएगा, OBC 471, SC 340 और ST 156 मार्क्स में। तो ये है इनका कट ऑफ। ST का थोड़ा बहुत कम दिख रहा है ना, 156, और फिर मॉपअप का अभी अपन देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मॉपअप का जाएगा 468 तक, और OBC का 460 और SC का 337। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना, है ना गाइस, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए।